हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली, जिसको एम्स मोहाली भी बोलते हैं, और वो है अर्चना की नई कॉलेज। आज वहाँ पे मुझे जाके पता करना है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे फीस किस तरह से डिपॉजिट होगी, मेडिकल किस तरह से होगा, और इससे रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज। इसके अलावा मुझे कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, मतलब वहाँ पे आपको राजस्थान काउंसलिंग के अंदर अपग्रेड के लिए जाना है या फिर उसी कॉलेज को सिक्योर करना है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए वहाँ पे कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा। देखता हूँ मैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। जब इस कॉलेज के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तो जो मेरे हॉस्पिटल के DNB डॉक्टर हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो भी नए कॉलेजेस होते हैं उनको MCI पहले साल एक साल के लिए टेम्प्रेरी एक्रेडिटेशन देता है। उसके बाद अगर वो बेस सब कुछ सही चला लेते हैं तो फिर उनको जो उनका एक्रेडिटेशन है वो परमानेंट हो जाता है। ऐसा मेरे हॉस्पिटल के DNB डॉक्टर्स ने बताया। तो मुझे ये भी पता करना है कि इस कॉलेज का अभी जो एक्रेडिटेशन है, जो मान्यता है MCI से, वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट है। एक सिनारी होता है कि अगर जो कॉलेज है उसकी जो मान्यता है वो परमानेंट नहीं होती, दूसरे बेच में, तो उस सिनारी में ये होता है कि जो एक बेच जो ले लिया उसकी तो पढ़ाई पूरी होती है, उनकी MBBS तो वो कॉलेज कंप्लीट करा के देता है, उन बच्चों को नियर बाई कोई दूसरी कॉलेज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी MBBS पूरी तरह से वैलिड होती है। तो ये पॉइंट भी वहाँ पे अच्छे से देखना है कि इसकी जो एक्रेडिटेशन है MCI की, उसकी क्या स्टेटस है। ये जो सामने देख रहा है ना, यहाँ से पंजाब शुरू हो रहा है और ये पीछे तो एरिया था मोहाली का, था बस इतना सा ही फर्क है। मेरे पीछे BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऐसा करके इन्होंने इसका छोटा नाम दे दिया एम्स। बाकी पूरी कॉलेज अच्छे से देख ली, कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंप्लीट है, और ये हाँ पहला ही बैच है, और 100 सीट इसके अंदर होती है, उसके अंदर 15 सीट का एडमिशन ऑल इंडिया कोटे से आता है, बाकी 85 सीट जो पंजाब काउंसलिंग होगी उससे आएगा। इस कॉलेज की फ़ीस है 1,58,000, और चाहे पंजाब से आते हैं चाहे ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। अब जो पंजाब से जो आते हैं उसको दो इंस्टॉलमेंट में फीस देनी होती है, पहले 79 प्लस 79। पहले जो 79 होते हैं वो एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट यूनिवर्सिटी में चला जाता है, जब एक बार सीट कंफर्म हो जाती है तो फिर वही जो आपकी फीस है उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं वही 79। फीस तो 1,79,000 ही है इसकी, और बाकी इस तरफ पीछे बनी हुई है हॉस्टल बिल्डिंग, और उस तरफ चार फ्लोर की कंप्लीट बिल्डिंग बनी हुई है, सारी
लाइब्रेरी वगैरह में अच्छे से देख के आ गया, सब कुछ मतलब वेल इक्विप्ड है और कंप्लीट पूरा स्टाफ भी अभी भी कंप्लीट आ रहा है। हालांकि बेस तो अभी शुरू हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेसर वगैरह के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई मुझे। बाकी रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल भी यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल और दोनों के मेस अलग अलग से बने हुए। हाँ, हॉस्टल की फ़ीस यहाँ पे 42,000 है, उसके अंदर मेस की फ़ीस इंक्लूड नहीं है। अब मेस की फ़ीस कितनी है वो मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल पाया, केवल हॉस्टल की फ़ीस आपको 42,000 देनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल लो, क्योंकि यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर मतलब ये सिविल हॉस्पिटल का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो जस्ट 200 मीटर पर चंडीगढ़ की टेरिटरी शुरू हो जाती है, चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ पर अपना पीजी या फिर जो भी रूम वगैरह लेके भी रह सकते हैं, मतलब रहने की यहाँ पर एज सच एज कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चंडीगढ़ से जस्ट 0.5 किलोमीटर ही दूर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर भी नहीं है चंडीगढ़ से। तो आई थिंक ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इसमें। अब जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको चाहिए, वो मेरे को यहाँ से जो इन्होंने पेपर दिया वो मैं बता दूँ। इसके अंदर एक तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, दूसरा नीट यूजी रिजल्ट कार्ड, मतलब जो आपको रिजल्ट कार्ड मिला वेबसाइट से। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है, मतलब जो प्रिंट आउट निकला था एडमिट कार्ड का। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब तीनों की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होगी यहाँ पे। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब जो इंस्टीट्यूट आपने लास्ट छोड़ा है, अगर आप बीएससी कर रहे थे तो उस यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन भी चाहिए होगा, और उसी यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज थी उससे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। बाकी अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बाकी पैन आधार कार्ड, और अगर आपका कोई गैप है बीच में यानी प्लस टू के बाद आपके 2 साल या 2 साल का गैप है आपके, तो उसका गैप के लिए अलग से गैप सर्टिफिकेट इन्होंने लिखा हुआ कि वो आपको चाहिए। अगर आपकी बीएससी कंटिन्यू चल रही थी तो उस कंडीशन में तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी कॉलेज है वहीं से मिल जाएगा। अगर गैप है तो उस कंडीशन में आपका माइग्रेशन अपनी स्कूल से देना पड़ेगा, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको उसी स्कूल से मिलेगा। बाकी गैप का इन्होंने गैप सर्टिफिकेट मतलब आपको कुछ एक्सप्लेन करने जैसा रहा होगा, आई डोंट थिंक मतलब क्या है कंप्लीट इसका, क्योंकि अर्चना के केस में तो कोई गैप है नहीं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।